हेलो एंड वेलकम टू 115th एपिसोड ऑफ लो बैक पेन सीरीज। आई एम डॉक्टर वरुण वासिल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फोर बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर सैटिका। अब सैटिका से मेरा मतलब है दो तरह से सैटिका होगा, एक दो होगा एक्यूट जिसको हम फ्रेश सैटिका बोलते हैं जो अभी अभी हुआ है, एक होगा क्रॉनिक जिसका मतलब होता है कि पुराना, वो पुराना हो चुका है। तो एक्यूट का मतलब आपको अभी स्लिप डिस्क हुआ, आपकी बैक से पेन शुरू हुआ, साथ ही आपकी लेग में जाना शुरू हो गया, वो होगा एक्यूट। और एक होगा क्रॉनिक जिसको हम 2 से 3 हफ्ते हो चुके हैं आपको पेन को, फिर भी पेन लेग में जा रहा है, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जो क्रॉनिक वाला फेज़ है सेकंड वाला, उसमें मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें आपको ज़्यादा महीने हो चुके हैं, कईयों को तो साल हो चुका है कि लेग में जो पेन है वो जा ही नहीं रहा, उसके लिए चार एक्सरसाइज कौन सी है वो इस वीडियो में बताऊँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो जब भी सैटिका का केस पुराना हो चुका होता है, क्रॉनिक हो चुका होता है, तो पेशेंट जो है बड़ा डिप्रेस होता है, उसको समझ नहीं आती कि मैं सर्जरी की तरफ जाऊं या मैं अपनी एक्सरसाइज से ठीक हूं या मेडिसिन से ठीक हूं। तो सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है कि जब ये वाला पेन होता है पुराने सैटिका वाला, तो इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि आपने डिस्क की तरफ ध्यान नहीं देना। ये मत सोचिए कि मेरी डिस्क निकली हुई है इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है, डिस्क जो है वो सूख चुकी है, उसने आपके कैनाल को टाइट किया है इसलिए आपकी नर्व प्रेस हो रही है। तो हम डिस्क को अंदर नहीं कर सकते, ये तो बात आप पहले ही क्लियर कर लीजिए कि हम डिस्क के लिए जगह नहीं है, जो सिर्फ जो जगह है नर्व के लिए वो हमने मेंटेन कर ली है, वो बनानी है। तो वो कैसे बनेगी? मूवमेंट से। तो डिस्क को अंदर करने के बारे में भूल जाइए। अब आप एक्सरसाइज से जगह बनाएंगे, वो कैसे बनानी है आपका काम होता है इसमें फ्लेक्शन एक्सरसाइज। वैसे मेरे जितने भी पेशेंट्स मेरे वीडियो देखते हैं उनको समझ आ गया होगा कि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन क्या होता है। तो फ्लेक्शन एक्सरसाइज का मतलब होता है जिसमें हम बैक को पीछे से जगह बनाने के लिए ओपन करते हैं, यानी कि नी टू चेस्ट एक्सरसाइज। तो सबसे पहली एक्सरसाइज हमने क्या करनी है, ये नी टू चेस्ट एक्सरसाइज 1 2 3 4 5, और ये हमने दोनों तरफ करनी है। इसका कारण यह है कि अगर आपके बाई चांस राइट लेग में भी पेन है तो आपने लेफ्ट का भी करना है, नी टू चेस्ट जो है ये दोनों तरफ से करना होता है। और 5 5 सेकंड होल्ड ऐसा 10 to 15 रेपिटेशन आपने करना है। और हर एक्सरसाइज से पहले, यानी कि एक्सरसाइज करने से पहले आप हीट ले लेंगे, चारों एक्सरसाइज से पहले अगर आप हीट ले लेंगे, हीटिंग पैड अपनी बैक पे भी और बटक पे भी, तो आपको जो है वो इजीली एक्सरसाइज भी हो जाएगी और स्ट्रेच जो है वो भी अच्छा आएगा। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज हमने नी टू चेस्ट एक्सरसाइज करनी है, 5 5 सेकंड होल्ड 10 10 टाइम्स, और ये दोनों तरफ से करनी है। अब सेकंड आता है रोटेशंस। रोटेशन कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मेरी लेफ्ट लेग में पेन जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट लेग को इस तरह से राइट के ऊपर रख के और यहाँ से पकड़ के इसको इस तरह से रोटेट करूँगा। और इसमें लोग मेरे से दो क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारी जो बैक है वो भी रोटेट होनी चाहिए या हमें सिर्फ इसको ही खींचना है। और कईयों को एक डाउट होता है कि इसको हमने शोल्डर की तरफ लेके जाना है कि बाहर की तरफ लेके जाना है। तो जो शोल्डर की तरफ लेके जाना होता है वो होता है पिरीफॉर्मिस सिंड्रोम में, जिसमें हम सिर्फ बटक का मसल जो है वो स्ट्रेच करते हैं। जब हम कैनाल को ओपन कर रहे हैं L4 L5 L5 S1 से, तो हमें जो रोटेशन करनी है उसमें हम इसको पकड़ के इसको इधर को घुमाना होता है रोटेशन की तरफ, और इसमें हल्की सी बैक को भी रोटेट करना होता है ताकि जो रोटेशन है वो L4 L5 पे हो, L5 S1 पे हो, ताकि जो लेटरल रिसेस है या हमारा फोरामिनल स्टेनोसिस है वहाँ पर जगह बने। क्योंकि कईयों को जो यूनिलेटरल यानी कि एक लेग में पेन जा रहा होता है तो वो इस तरह से करते हैं, अब कईयों को दोनों लेग में जा रहा होता है तो वो दूसरी साइड से भी करना होता है उनको, तो इस तरह से ये दूसरी लेग से भी करना होता है। तो ये हो गया हमारा सेकंड एक्सरसाइज जिसमें हमने क्रॉनिक सैटिका में करनी है। तो ये जो रोटेशंस होती हैं ये जगह बनाती हैं फोरामिनल कैनाल में, ताकि कईयों का फोरामिनल कैनाल में स्टेनोसिस होता है और नर्व वहाँ से प्रेस हो रही होती है। तो हमने कोई भी ऐसा चीज़ छोड़ना नहीं है जहाँ से हम जगह बना सकें, तो इसलिए दोनों जगह से हमने करना है। फर्स्ट हमने सेंट्रल कैनाल के लिए किया, सेकेंड जो किया वो फोरामिनल कैनाल के लिए रोटेशंस किया। अब करेंगे थर्ड एक्सरसाइज जिसको हम कहते हैं पेल्विक टिल्ट। पेल्विक टिल्ट से क्या होगा, जो हमारा पेल्विस का वेट जब स्पाइन के ऊपर आके पड़ेगा तो वो ऑटोमेटिकली फ्लेक्शन में जाएगा,
फ्लेक्शन में जाएगा, एक उसको ट्रैक्शन का इफेक्ट मिलता है, उससे भी वो खुलता है। तो ये कैनाल, सेंट्रल कैनाल को खोलने के लिए कैसे करना है, हमने इस तरह से रखा है इसको, अपने लेग्स को फोल्ड कर लिया दोनों को और सिर्फ अपने हिप्स को लिफ्ट कर लिया ऐसे। आपने ये कमांड देनी है बॉडी को कि मैंने अपनी जो बैक है वो नीचे बेड पे लगा के रखनी है और सिर्फ हिप्स को लिफ्ट कर लेना। इसमें बस ये चीज़ नहीं करना, ये एक्सटेंशन हो जाएगा, ये ब्रिजिंग हो जाएगा, इसको अवॉइड करो। सिर्फ ये बैक नीचे रखिए और बैक को इस तरह से हल्का सा बैक को प्रेस करते हुए पेल्विस को लिफ्ट कर लेना। तो ये हो गई हमारी थर्ड एक्सरसाइज, ये भी हमारी सेंट्रल कैनाल के लिए हो गई। अब फोर्थ एक्सरसाइज में हम जो मेन है वो है सेटिका का स्ट्रेच, पूरा सेटिंग नर्व को स्ट्रेच करेंगे। क्योंकि कई लोग क्या होते हैं, वो कहते हैं जब हम सिटिंग करते हैं तब पेन होता है, वो सिटिंग करने से पेन इसलिए होता है क्योंकि उनकी नर्व टाइट है। न्यूरल, जो न्यूरल टिश्यू टाइटनेस का क्या मतलब होता है, नर्व के अराउंड जो एडहेजन्स है वो बनी होती है, क्योंकि क्रॉनिक केस है, पुराना केस है, तो नर्व एक जगह के पड़ी हुई है और उसको मूवमेंट के लिए जगह नहीं मिल रही, तो इसकी मूवमेंट जो है वो कम हो जाती है, उसके अराउंड जो एडहेजन्स बन जाती है। वो एडहेजन्स कैसे ब्रेक होंगी, राइट लेग में किसी को पेन है तो वो यहाँ से होल्ड कर ले। यहाँ से होल्ड करने का मतलब है कि हमने क्या किया है, जो पेल्विस है उसको और जो है हमने थाई है उसको स्टेबल कर लिया है यहाँ से 90 डिग्री तक होल्ड करके। उसके बाद क्या करना है, उसको अब अपनी तरफ नहीं खींचना। कई लोग यही गलती करते हैं कि ऐसे करते करते अपनी तरफ इसको भी खींचते, ये नहीं करना। इसको होल्ड कर लिया, अब सिर्फ लोअर लेग को उठा लीजिए। ये लोअर लेग को उठाते उठाते अब पैर को अपनी तरफ खींच लीजिए ऐसे। ये हमने करना है सेटिंग नर्व का स्ट्रेच, और ये आपको पूरा स्ट्रेच यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने 90 डिग्री तक लेके जाना है, कई लोगों को यही गलती होती है, ओवर स्ट्रेच करते हैं फिर पेन बढ़ जाता है। पेन नहीं बढ़ना चाहिए, नॉर्मल स्ट्रेच करना है और उसको यहाँ तक जो है थाई वाला पोर्शन जो है हैमस्ट्रिंग वाला वहाँ से उसको पकड़ लेना है। उसके बाद लोअर लेग को ऊपर उठाया, फिर पैर को अपनी तरफ खींच लिया, ये हो गया हमारा सेटिंग नर्व का स्ट्रेच। तो ये हमने फोर्थ जो स्ट्रेचिंग है ये करने के बाद आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। आपको सिर्फ यही चार एक्सरसाइज करनी है जब आपको श्योर हो जाए कि आपका जो केस है वो पुराना है, SLR टेस्ट पॉजिटिव नहीं है। मैं आपको एक और वीडियो का लिंक देता हूँ, ये जो वीडियो आपको दिख रहा है इसमें हम मैंने बताया हुआ है कि कौन से पांच सिम्टम हैं जिसमें हमें पता लगता है कि एक्यूट है, एक्यूट का मतलब फ्रेश। तो जब आपको पता लग जाएगा कि हमारा क्रॉनिक वाला केस है तो हमने चार एक्सरसाइज करके हमने सेटिका को ठीक करना है। आप देखिएगा धीरे धीरे वीकली आपको फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा, 2 वीक्स 3 वीक्स के अंदर अंदर आपके मूवमेंट, चलने का स्टाइल और वो जो बैठने का स्टाइल, आपका जो नर्व का पेन है वो काफ़ी हद तक कम होना शुरू हो जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये चार एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको क्लियर कट बता दिया है कि डिस्क के बारे में हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ नर्व के लिए जगह बनानी है, बस उसी के ऊपर फोकस करना है। और बैक पेन से रिलेटेड कोई भी आपको प्रोडक्ट ऑर्डर करना है तो हमारी वेबसाइट पे जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं, या नीचे लिखे नंबर पे जाके भी कॉम्बोज हैं, आपको बैक रेस्ट भी मिलेगा, अपना बैक सपोर्ट पिलो जो बेड पे बैठने के लिए जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है सेटिका में, तो वो आपको आप इजीली ऑर्डर कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस करने वाला नहीं है। और मुझसे फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए, 1-to-1 कंसल्टेशन करने के लिए नीचे लिखे नंबर पर जाके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, उसकी छोटी सी फीस होती है उसको पे करके आप मुझसे 1-to-1 कंसल्ट कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।